दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में जिनको डॉक्टर जो है वो यूज़ करता है और आपने भी वो मालूम होनी चाहिए। यानी कि जो मेडिकल टर्म्स होती हैं ना, ये अलग ही होती हैं, तो उनको आपने समझ लेना ज़रूरी है, तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, जो भी मैं टर्म्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, तो आपने उन्हें ना ज़रूर से लिख लेना है किसी भी नोटबुक में, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है एलोपेसिया। तो एलोपेसिया हमारी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे जो हेयर है वो लॉस हो जाते हैं, यानी कि जिसको हम गंजापन भी बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एलोपेसिया। उसके बाद हमारे देखिए नेक्स्ट वो है एनालजेसिया। तो एनालजेसिया यानी कि रिलीफ फ्रॉम पेन, यानी कि जैसे हम मेडिसिन लेते हैं ना, कुछ वो एनालजेसिक होती हैं यानी कि जो पेन को दूर करते हैं, तो इसलिए ना ये जो टर्म है इसका मतलब होता है कि पेन से रिलीफ होने के लिए हम एनालजेसिया का शब्द का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? ये ऐसी कंडीशन जब हमारे चेस्ट में पेन होता है तो उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए एंटीस्पास्मोडिक्स। तो ये ना हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी इन्वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, जब उनमें ऐंठन आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है एस्थेनिया। एस्थेनिया यानी कि एबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस और लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है या फिर हमें कमजोरी हो जाती है, तो उसको ना हम एस्थेनिया बोलते हैं। ये हमारी मेडिकल टर्म है और आप इसी के ऐसे ही पढ़ोगे आगे, जो कि अभी से आपने ना समझ के चलनी है। नेक्स्ट है हमारे देखिए एटैक्सिया। एटैक्सिया क्या है? लॉस ऑफ फुल कंट्रोल ऑफ बॉडीली मूवमेंट। तो बॉडी के जो भी मूवमेंट्स होते हैं उन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, उस कंडीशन को हम एटैक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए एजिटेशन। एजिटेशन क्या है? ए स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट। तो ऐसी कंडीशन जब हमें मतलब चिंता वगैरह हो जाती है या फिर हम नर्वस हो जाते हैं, तो उसको ना हम एजिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी एकाथीसिया, ए फीलिंग ऑफ इंटरनल मोटर रेस्टलेसनेस, यानी कि हमारे अंदर की एक ऐसी फीलिंग मतलब जो मतलब जिसको हम व्याकुलता बोलते हैं हिंदी में, तो उसको ना हम एकाथीसिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एकिनेसिया। एकिनेसिया क्या है? इनएबिलिटी टू मूव, यानी कि जब हम मूव नहीं कर पाते हैं तो उसको ना हम एकिनेसिया बोलते हैं। और उसके बाद है ब्लड डिस्क्रेजिया। तो ऐसी कंडीशन जब हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, यानी कि वो कम या फिर ज़्यादा हो जाती हैं, उसको हम ब्लड डिस्क्रेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए ब्रैडी एरिथेमिया। तो एरिथेमिया ऑफ हार्ट शोइंग स्लो हार्ट रेट, यानी कि जब जो हार्ट का जो रिदम होता है मतलब वो स्लो हो जाता है, यानी कि जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाती है, उस कंडीशन को हम ब्रैडी एरिथेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्रैडी कार्डिया, यानी कि एबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट, स्लो हार्ट एक्शन, यानी कि जब जो हार्ट है वो स्लोली काम करता है, यानी कि उसकी हार्ट बीट भी कम हो जाती है, उसको हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए हमारी ब्रैडीकाइनेसिया, रिड्यूस मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, उसको हम ब्रैडीकाइनेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए सेरेब्रल हेमोरेज, यानी कि ब्लीडिंग इन एंड अराउंड द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के आसपास जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको हम सेरेब्रल हेमोरेज बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए सेरेब्रल इस्केमिया, ए कंडीशन इन विच देयर इज इनसफिशियंट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, यानी कि जब हमारे ब्रेन में कम ब्लड का फ्लो होता है, उस कंडीशन को हम सेरेब्रल इस्केमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए डिप्लोपिया, एक टेक्निकल टर्म है जो कि मतलब डबल विजन के लिए यूज़ की जाती है, जब हमें दो चीज़ें दिखती हैं, एक ही चीज़ दो बार दिखती है, मतलब कि दो दो नज़र आती हैं, उसको हम डिप्लोपिया बोलते हैं। और उसके बाद है देखिए डिसलिपिडेमिया, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लिपिड इन द ब्लड, जब ब्लड में लिपिड जो है एबनॉर्मल हो जाता है, उसको हम डिसलिपिडेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसपेप्सिया, यानी कि इनडाइजेशन, जब हमारा फूड डाइजेशन नहीं होता है, उसको हम डिसपेप्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसपोइया, यानी कि डिफ़िकल्ट और लेबर्ड ब्रीथिंग, यानी कि जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको हम डिसपोइया बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए एपिस्टैक्सिस, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोस्ट्रिल और नेजल कैविटी, या फिर बोले तो नेजोफेरिंग्स, जो हमारी नाक से खून निकलता है, उसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। और उसके बाद है देखिए हीमोफीलिया, यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, तो उसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपरेक्सिया, यानी कि एबनॉर्मली इंक्रीज्ड फीवर, जो हमारा बुखार काफ़ी तेज़ आता है, उसको हम हाइपरेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी हाइपरहिड्रोसिस, तो एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पसीना हमें निकलता है या फिर हमें ज़्यादा पसीना आते हैं, उसको हम हाइपरहिड्रोसिस बोलते हैं। और नेक्स्ट है देखिए हमारी वह हाइपर यूरिसेमिया, यानी कि एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, जब ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उसको हम हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपोकैलेमिया, ए कंडीशन व्हेन ब्लड पोटेशियम लेवल आर टू लो,
यानी कि जब काफ़ी कम ब्लड में जो हमारा पोटेशियम होता है उसको हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी हाइपोनैट्रेमिया, यानी कि जब हमारा जो सोडियम होता है वो ब्लड में काफ़ी कम होता है उसको हम हाइपोनैट्रेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया, डिफिशियंसी इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द टिश्यू, जो हमारे टिश्यूज तक जो ऑक्सीजन है काफ़ी कम पहुंचती है उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए हमारे ल्यूकोपेनिया, यानी कि जो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके जो नंबरिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है, उनकी संख्या ब्लड में काफ़ी कम हो जाती है उसको हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। और उसके बाद देखिए एडेमा, यानी कि ऐसी कंडीशन जब जो वाटर है हमारी जो कैविटीज़ होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जिसको हम सूजन भी कहते हैं, तो उसको ना हम एडेमा बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि जब हमारे जो पैनक्रियाज है उस पर सूजन आ जाती है और उसकी वजह से दर्द भी होता है तो उसको हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है फोटोफोबिया, यानी कि ए कंडीशन इन विच ब्राइट लाइट्स हर्ट आइज, यानी कि जिससे जो चमकीली लाइट होती है या फिर ज़्यादा उजाला होता है उससे हमारी आंखों पे असर पड़ता है, मतलब वो उसको हर्ट करता है, तो इसका जो इसको हम बोलते हैं उसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए वो है पॉलीडिप्सिया, तो ये क्या है एबनॉर्मली ग्रेट थ्रेस्ट, यानी कि जब हमें ज़्यादा प्यास लगती है उस कंडीशन को हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉलीयूरिया, तो ये है प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, जब यूरिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी रेस्टलेसनेस, यानी कि ऐसी कंडीशन जब हम ज़्यादा बोर हो जाते हैं या फिर ज़्यादा हम चिंता में रहते हैं तो हम रेस्ट नहीं कर पाते हैं उसको हम रेस्टलेसनेस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वो है राइनोरिया, यानी कि एक कंडीशन जिसमें हमारी जो नोज है उसमें काफी ज्यादा म्यूकस हो जाता है तो उसको हम राइनोरिया बोलते हैं। और उसके बाद देखिए स्प्रेन, तो ये क्या होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो खिंच जाते हैं जिसको ना हम हिंदी में मोच भी कहते हैं तो इसे ना हम स्प्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वो है हमारा टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज्ड इन हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट रेट है काफ़ी बढ़ जाती हैं उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा सिंकोप, तो ये क्या होता है ए टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू इनसफिशियंट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन को जब काफ़ी कम ब्लड जाता है तो उसकी वजह से ना हम बेहोश हो जाते हैं जो कि टेम्प्ररी होता है तो उसको ना हम सिंकोप बोलते हैं। और देखिए जो लास्ट में है हमारा वो है टैकीपोइया, तो ये क्या होता है एबनॉर्मली रैपिड ब्रीथिंग, यानी कि जब हम सांस जल्दी जल्दी लेते हैं ना उसको हम टैकीपोइया कहते हैं। तो ये ना हमारे कुछ मेडिकल टर्म्स थी जो कि मेडिकल लाइन में यूज़ की जाती हैं, आई होप ये कुछ आपको समझ आई होंगी और आपने लिख भी ली होंगी। तो यही आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था, कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आपके जो क्लासमेट है उनके साथ जरूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।